हेड ऑफिस ने मुझे प्रमोशन ऑफर किया है. वो चाहते हैं कि मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊं. इट मींस अ बेटर पोजीशन, हायर सैलरी, बड़ा घर, बेसिकली द वर्क्स. और आज सुबह मैंने फैसला किया है कि तुम शिफ्ट कर रही हो. वाह. और मुझसे पूछने की जरूरत तो थी नहीं. आफ्टर ऑल मैं होता कौन? मैं तो सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड. मेरी औकात ही क्या है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाने के लिए खड़ा हूं. मैम, तुम्हारे इस एक फैसले से हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी. पर तुमने इसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि रिया सर सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने रॉकिंग करियर के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपनी खुशी के बारे में. Damn it! It's always about you, you and you. No, goddamn it! It's about you, you and only you, Dev. मैं तुमसे कहने जा रही थी कि मैंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया, तुम्हारे बारे में सोचकर, इस परिवार के बारे में सोचकर. पर तुम सुनते कहाँ हो? अगर प्रमोशन के लिए मना ही कर दिया था तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? जता रही हो मुझे? जता नहीं रही थी, अपनी दिल की बात बता रही थी. दिल है तुम्हारे पास रिया? What दिल? किस दिल की? अर्जुन! अर्जुन! क्यों शोर मचा रहे हो? ये फाइल बजाने का टाइम नहीं, तुम्हारे सोने का टाइम. You got school tomorrow. Go now. Don't touch the violin. Get out of here. अच्युत, अच्युत, क्यों अपना गुस्सा उस पे निकाल रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे अर्जुन के बारे में बात करने का रिया. आई नो हाउ टू हैंडल हिम. मैंने बड़ा किया है उसे, सिर्फ मैंने. तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने काम से. वक्त था तुम्हारे पास कभी? वक्त था? हाँ देव, मेरे पास वक्त नहीं था. बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड. मर्दों से तो कोई नहीं पूछता जब वो बिजी होते हैं. जब उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टेल मी देव, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सच तो ये है, इस घर में मर्द मैं हूं. मैं अर्जुन की मां नहीं बन सकी क्योंकि मुझे उसका बाप बनना पड़ा, ताकि उसे वो सारी खुशियां दे सकूं जो फुटबॉल कोच उसे नहीं दे सकता. कैसा लगा ये सुनकर देव? बहुत दर्द हुआ ना? Now you know how it feels. क्योंकि तुमने मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया है. मैं हमेशा सोचती थी दर्द प्यार में दिया जाता है, पर ये सच नहीं. तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते. तुम किसी से प्यार नहीं करते. नफरत है तुम्हें, नफरत है तुम्हें अपने आप से, अपनी जिंदगी से, अपनी नाकामयाबी से. और मैं आज तक नहीं जान पाई तुम्हें किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी नाकामयाबी से या मेरी कामयाबी पर. सच. पर जानती हो इस घर में मुझसे भी नाकामयाब क्या है? हमारा रिश्ता. Thank you for letting me stay in your house, Rhea.